мен мәсіду. Мен бушуда байчызды бушу мен байчымызды мошум бушу. Мен кен гожи хайсы мәсіду. Бейсі гашны гасун. Мен мақта бар. Арбе шешен мұрда бар. Мұрда бар. Мұрда бар. Халак жапан бер мұрда бар. Мұрда бар. Мұрда бар. Мера нам Мухаммад Шафи Хатана. Мен рахта хун Хатанпура, Вагипура ке оппозит ме. तो हम पड़ोसी हैं आपस में, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हमारा उतना दूरी का मसला नहीं है, हम बिल्कुल करीब हैं एक दो से, थोड़ा इसमें कोई 10-20 फुट की दूरी या ज़्यादा दूरी। खटारा साहब, एक हादसा आपके गांव में पेश आया जो वांगाम पे इल्ज़ाम, वांगाम पे पीएसी पे इल्ज़ाम लग रहा है और अनंतनाग में उनको ये एश्योर किया गया है कि आपकी जो ये बेटी है उसके साथ जाती हुई वांगाम में कोकरनाग में कोकरनाग की बात की जाए तो क्या आपकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गुजारिश रहेगा इस मामले में? मेरी गुजारिश ये है आला हुकाम से कि जो वांगाम पीएसी है वांगाम वाले तो वो असल में कसाई बैठे हैं वहाँ, उनका ये रोल है कि वो पेशेंट को मार देते हैं वहाँ पे। अगर उधर हमारी ये बहन गई डिलीवरी के लिए, उन्होंने इसको 10:30 से शाम के 10:30 तक वहाँ रखा तो दबा दबा के इसको मार दिया है उन्होंने और इसके बच्चे को भी मार दिया। तो ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है उन्होंने। और हमारा डीसी साहब से गुजारिश ये है कि अगर इस पर एक्शन ना हो जाए, जो हमारा बेमू साहब है वो सोया हुआ है, उसको कोई पता नहीं है कौन मुलाजिम क्या करता है, वो सोया रहता है शाम को या वो ड्यूटी पे जाता है, क्यों उसको उसके साथ वास्ता ही नहीं है कोई। एडमिनिस्ट्रेशन का मसला ही सोया हुआ है। अगर हमारा एलजी साहब है, एलजी साहब कोई एक्शन इनसे नहीं करता है। ऐसे ऐसे हमारे काफ़ी वाक़े हो रहे। आज हमारी ये बहन यहाँ से अच्छी तरह चलती चलती गई, वहाँ से हम इसकी डेड बॉडी लाए। इसके अलावा हमारे साथ कौन सा नाइंसाफ़ी होगी? मगर जो वांगाम वाले हैं सीधा वो कसाई है, उनका कोई रोल नहीं है इंसानियत का तकाजा का। और हमारा बेमुसाब उनसे कोई एक्शन नहीं करता है, क्यों ऐसे उनको तनख्वाह दे देता है? हमें इसमें समझ नहीं आती है, ये करप्शन की बात है कि ये नाइंसाफ़ी की बात है? अगर इतना नाइंसाफ़ी, एक बच्चा भी मार दिया और माँ को भी मार दिया, तो इसके बेचारे के ऊपर इतने नाइंसाफ़ी कर दी है। इससे अलावा कौन सा हमारे साथ इंसाफ करेगा? डीसी साहब, वो हमारा यहाँ का आला हुकाम है, जब वो भी नहीं इस पर एक्शन करेगा तो फिर कौन करेगा? हम आप लोगों का एहसान मानते हैं कि आप लोग हमारे गरीब नवाज लोगों के पास आए हो, तो हमारे पास पैसे नहीं है, इसी वजह से हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। खटाना साहब, हम हर किसी के साथ हैं, ये हमारा हक बनता है। जैसा कि महकमा मौसमियात ने एक पेशन गोई की थी कि हैवी स्नोफॉल होने जा रहा है, जिस दिन ये हादसा पेश आया, जिस दिन इसको रेफ़र किया गया, वांगाम लिया गया, हॉस्पिटल में रेफर एडमिट किया गया, क्या उस दिन भी ऐसा ही बर्फबारी था? नहीं, बिल्कुल रोड क्लियर था, रोड अच्छी तरह था, उस दिन कोई मौसम खराब नहीं था। तो ये जानबूझ के उन्होंने हमारे बहन के साथ ऐसा किया है, तो ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफी है। अगर इस पे नहीं होगा एक्शन तो हम रोड पे उतर जाएंगे बेमू साहब के खिलाफ। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या राय है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही हमारी गुजारिश है कि अगर हम चुप रहेंगे तो हमारे साथ यही होता रहेगा। तो आला हुकाम से हमारी ये गुजारिश है, खुदारा हमारे साथ मत करो इतना नाइंसाफी, क्यों हमें इंसाफ चाहिए, क्यों ये हेल्थ डिपार्टमेंट है। ये भी اس لیے دوہ بات شکر گزار کہ
At lagun buchun bach kaden hun chu toy ti chu maj ben vol kaina has portna ka maj hen ship ma pratka bishas mes ladkas mo aj mes ladki chas bahash bishas hash bishas bini bishas bini bini yem sat toy islambad vay to yukur mangan prashan refer pat vay to bangan peteli refer karak asas samis tsuti mesa suti aj to mes azdri shiar bagiat asna to siyasa yukur refer pa karna to shoda pan yukur mes refer ke to shoda pan driver mes 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 دپن وینکنس چھ گمس اسلام آباد میں ڈاک کیجولٹی دپن سایتس وانگمس وانگر سایتس اسی نشان اس سایتس بیچار داب دیون ٹریکٹرس مار یم سائنین شما ان اس پان ازل شما پان تے لائٹ ہن انتظام اس اس کی ہن کی اس لائٹ ہن توہت گارو شما جی یس چھ یہ ہن مطلب یہ ہن یہ ہن یہ ہن یہ ہن ہسپتال ٹوٹل